देश की प्रगति को गति प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लॉन्च किया था। पीएम गति शक्ति का उद्देश्य है 21वीं सदी के भारत के लिए मल्टी मोडल और आधुनिक कनेक्टिविटी का निर्माण। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गति शक्ति मिलेगी। इस कड़ी में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने और अमृतकाल में देश की आर्थिक तरक्की में और तेजी लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं। ये पॉलिसी स्टेक होल्डर्स के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करेगी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा मिलेगा। हमारे मेहनती किसानों और MSMEs को अपने उपज और उत्पादों की सही कीमत मिल सकेगी, साथ ही साथ उपभोक्ताओं तक भी उत्पादों की पहुंच सहज और किफायती होगी। इस पॉलिसी को अमल में लाकर देश लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी लाएगा और उसे ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर करेगा और भारत दुनिया के टॉप 25 लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस वाले देशों में शामिल होगा। इसके लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक वेयरहाउसिंग, डिजिटल प्रक्रिया और रेगुलेशन, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग, ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट और टाइमलीनेस जैसे कंपोनेंट्स पर विशेष फोकस है। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सेक्टर जैसे कोल, स्टील, फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन, सीमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी आदि के लिए सेक्टर स्पेसिफिक लॉजिस्टिक्स प्लान बनाए जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया को लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं से जोड़कर एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म यूलिप तैयार किया गया है, ताकि लॉजिस्टिक्स स्टेक होल्डर्स को आसानी हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी बढ़ाने में भारत सरकार और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की अहम भूमिका है। राज्यों के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस के आकलन के लिए हर साल लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी लीड सर्वे कराया जाता है। इससे राज्यों में लॉजिस्टिक्स फोकस के साथ साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल रहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को प्रगाढ़ करते हुए भारत सरकार राज्यों में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के लिए विशेष सहायता और सहयोग के लिए समर्पित है। देश में वेयरहाउसिंग सेक्टर की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एक ई हैंडबुक भी तैयार की गई है, ताकि स्टेक होल्डर्स इसका उपयोग करें और देश में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप वेयरहाउसिंग सेक्टर का विकास हो। साथ ही लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशंस के मुद्दों के त्वरित निपटान के लिए ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज पोर्टल ई लॉग्स बनाया गया है। इसके द्वारा इंटर मिनिस्ट्री सर्विसेज इम्प्रूवमेंट ग्रुप मुद्दों का तेजी से हल निकालेगा और कारोबार को लाभ मिलेगा। कोविड महामारी के दौरान दुनिया के कई देशों में स्किल्ड मैन पावर की कमी के कारण सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा था, इसलिए भारत में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के तहत लॉजिस्टिक्स एवं सप्लाई चेन से जुड़े कई कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं। साथ ही लॉजिस्टिक्स आधारित स्किल निर्माण पर भी फोकस है, ताकि हमारी युवा शक्ति के लिए देश और दुनिया में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बने। एक सशक्त, एकीकृत और डिजिटल लॉजिस्टिक्स सेक्टर से देश की अर्थव्यवस्था और बेहतर होगी और भारत विश्व पटल पर लीडिंग लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस वाले देशों में शामिल होगा।